हम आज क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी, जब उसके डायगोनल की मेजरमेंट हो 4.5 सेंटीमीटर। जब डायगोनल की मेजरमेंट डी हो तो हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी। डायगोनल हमारे पास क्या है, ए सी। अब हम इसको ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक डायगोनल यहाँ पे एक जो है स्क्वायर हम फर्जी सा बना लेते हैं समझने के लिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन होगी किस तरह से। ये देखें, ये एक स्क्वायर बना लिए हैं। अब इस स्क्वायर में ये सॉरी यहाँ पे इसका ये है डायगोनल ए और ये है सी। ए सी डायगोनल है और ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है डी, यानी ए बी सी डी का एक स्क्वायर हमारे पास है फर्जी सा। इसमें ए सी का डायगोनल, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ए सी डायगोनल की लेंथ दी हुई है, बाकी हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरह से करेंगे, अब ए सी की लेंथ दी हुई है, अब उसकी अगर हम अगर देखा जाए तो स्क्वायर के जो जितने भी होते हैं ये सारे सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये वाले जितने भी एंगल्स होते हैं ये सारे 90 डिग्री के होते हैं, यानी ए पे 90 डिग्री, बी पे, सी पे और डी पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए सी के सा ए सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, स्केल लेके स्केल लिया, तो इस पे ए सी एक लाइन 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली है। 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली है इस पे लाइन। अब स्केल को थोड़ा पीछे, अब इस स्केल पे अब हमने क्या करना है, ए सी के सामने बी और ए सी के दूसरी तरफ डी दोनों पॉइंट्स को देखना है, दोनों पॉइंट्स ड्रा करने हैं। दोनों पॉइंट्स ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 का एंगल ड्रा करेंगे। यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा कर लेते हैं, पहले सेंटर से रख के, बिल्कुल सेंटर से सामने 90 का एंगल 2.5। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, 90 का एंगल किस तरह से ड्रा होगा, पहले इसको 2.5 है इस पे रख लिया, 2.25 पे सॉरी 2.25 पे रख के इस तरह से इस साइड एंगल ड्रा करना है। इसको हम पूरा यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि हमने दोनों तरफ 90 का एंगल ड्रा करना है। अब यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा कैसे किया जाता है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखें, यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे पेंसिल को इसको इतना आपने खोल लेना है। खोल लिया, खोलने के बाद इस पॉइंट से इतना खोल लिया, सो लॉक कर देते हैं। यहाँ पे इधर इधर एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस इधर एक आर्क ड्रा करनी है, इसी तरह इस पॉइंट से नीचे निचली तरफ एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। और इस पॉइंट से यहाँ पे सेम यहाँ पे एक आर्क ड्रा करनी है। ये जो हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो हाफ सर्कल है ये 180 का है, और 180 का हाफ 90 होता है, यानी इस हमने ये पूरा अपना जो है जो कंपास है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन किया, और फिर इस जो हाफ हमारे पास सर्कल था इस हाफ सर्कल का हाँ हमने जो है 180 के एंगल को हाफ किए यहाँ इस पॉइंट से रख के और इस पॉइंट से रख के, तो हमारे पास इधर भी आर्क आ गई इधर भी आर्क आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पे, स्ट्रेट लाइन इसको स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रख के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
उस लाइन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है, जितना अब देखें यहाँ पे, अगर हम देखें इस वाले हम अपने स्केल को देखें, ये इसका हाफ, ये मैं आपको यहाँ पर आती हूँ, ये हमारे पास, ये लाइन हमारे पास आ गई है। अब इस लाइन पे हमने देखना ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ, जितनी ये लेंथ हमारे पास होगी उतनी ही ये लेंथ होगी हमारे पास, यानी ए पॉइंट से लेके ये जो सेंटर है, सेंटर तक जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ हमारे पास ए से बी तक होगी। तो हम इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं, इस ए से ओ तक की, और ये हमारे पास सी था, ये हम कंपास अपनी जो है यहाँ से उठाएंगे, उसको मेजर कर लेते हैं इधर से लेके इधर तक, ये मेजर हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको मेजर कर लिया है, तो हमने जितना मेजर किया है यहाँ पे वो आग ड्रा कर दी, इसी तरह नीचे भी हम आग ड्रा करेंगे, नीचे और इस साइड पे यहाँ पे ये आग ड्रा कर दिए। अब इसको साइड पे रखते हैं, स्केल से हम स्केल से ये यहाँ से जो है यहाँ से इस पॉइंट तक, लास्ट वाली लाइन है ये वाली, इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा ए बी सी और ये डी, ये हमारा स्क्वायर हमें मिल गया, ए बी सी डी।